तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स देख लेंगे, क्योंकि हमको इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मर्न स्टैक या फिर रिएक्ट पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको चाहिए नोड जेएस, और इसमें से आप जेएस का LTS वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे nodejs.org, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, जैसे कि मेरे केस में भी मैं विंडोज पर हूँ, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से आपको LTS वर्जन डाउनलोड करना है। LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। करंट में क्या होता है, लेटेस्ट फीचर्स होते हैं जिनका आप टाइम से पहले यूज कर सकते हैं, यानी वो LTS में आने से पहले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो आप क्या करें, हमेशा स्टेबल वर्जन के साथ में जाइए, ताकि हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी इशू ना हो। सो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है, और इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, इसके साथ में हमको नोड पैकेज मैनेजर भी मिलता है। आप उसको कैसे चेक करेंगे, सिंपल आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करिए। मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद में आपको सिंपल टाइप करना है npm -v, तो नोड पैकेज वर्जन आपको बता देगा। अगर आपको नोड का वर्जन भी चेक करना है, तो आप लिखेंगे, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, node -v। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 18.15 और अभी चालू है 16। तो नो मैटर, जो भी आपके करंट टाइम में LTS वर्जन चालू है, आप उसको जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करिए। इसके साथ में आता है npm, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, npm -v, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो इसके साथ में हमारे पास है 9.5, हो सकता है आपके पास इससे कम या फिर और ज्यादा देखने मिल सकता है, लेकिन करंट में अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 9.5 का मेरे पास इंस्टॉल है। तो ये हो गया हमारा नोड जेएस का सेटअप। इसके बाद में हम एक्सप्रेस का भी यूज करेंगे। ज्यादा इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हम मेन फ्रंट एंड पे काम करने वाले हैं, ये एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, तो इसमें मेन हमारा काम है यूआई पर। उसके बाद में हम यहाँ पर रिएक्ट जेएस का यूज करेंगे। अभी तो फिलहाल ये थोड़ा आउटडेटेड हो रहा है, लोग नेक्स्ट जेएस पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन स्टिल ये वैलिड है। आप जो है रिएक्ट के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जेएस भी अगर आपको सीखना है, तो पहले शुरू आपको रिएक्ट को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जेएस क्या है, रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है। उसके बाद में हम कोड एडिटर के लिए जो है विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। सो इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, code.visualstudio.com पर, और यहाँ से जो है आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो macOS के लिए, विंडोज, लिनक्स सभी के लिए अवेलेबल है, इसका आप यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो गिटहब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको देखना है सेपरेटली जो है गिटहब या फिर गिट को भी देख सकते हैं, उसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और मैं आई बटन पे भी दे दूंगा। तो यही था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, और भी इसमें कुछ चीजें लगती है, तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, एक मेन फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर रिएक्ट की एप्लीकेशन, और बाद में विद इन सेम फोल्डर हम सर्वर को भी क्रिएट करेंगे। तो आपको जहां पर भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, जैसे कि मेरे केस में मैं डी ड्राइव के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर बना दूंगा, न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं रखता हूँ merl-portfolio, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करूंगा। सबसे पहले आप क्या करें, इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लें, राइट क्लिक करेंगे ओपन विथ कोड, तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए ये ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे पहले, फिर लास्ट में जो है सर्वर पर काम करेंगे। तो आप इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्सटर्नल टर्मिनल यूज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्मिनल में आपको बता देता हूँ, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए आपको लिखना है npx create react app, और उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम, तो हमारे केस में हम रखेंगे इसका नाम क्लाइंट, इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है, और इसके अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसको क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, 4 से 5 मिनट इसको क्रिएट होने में लग जाते हैं। जब तक ये क्रिएट हो रहा है, तब तक मैं आपको एक्सटेंशंस बता देता हूँ क्या क्या हम इसमें यूज करेंगे, जैसे कि ऑटो क्लोज टैग, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, ये एक एक्सटेंशन हम यूज करेंगे। उसके बाद में ऑटो इम्पोर्ट अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसमें एक और हमारे पास था, देखिए हाँ थीम बता देता हूँ मैं आपको, इसमें मैं कम्युनिटी मटेरियल थीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेन स्निपिट है अपने पास ES7+ रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपिट, तो इसको आपको डाउनलोड करके रखना है। इससे क्या होगा, आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप पूरा कोड लिख सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ना स्क्रीन, अभी फिलहाल आप
इन एक्सटेंशंस को जो है डाउनलोड करें। उसके अलावा हमारे पास होता है देखिए HTML to JSX, अगर आप HTML का कोड कॉपी करेंगे तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे अगर आप इस क्लाइंट को एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आइकन शो कर रहे हैं ना फोल्डर के, तो ये मटेरियल आइकन थीम की मदद से होता है। थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत से जो है आइकन्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। आप इसको खुद से एक्सप्लोर करिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में हमारे पास था एक और पाथ इंटेलिजेंस, ये भी एक काफ़ी यूजफुल एक्सटेंशन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मेन है प्रिटियर, प्रिटियर को आपको इंस्टॉल करके रखना है, और साथ ही में मैंने इसको जो है फॉर्मेट ऑन सेव पे किया है। तो एक बार आप क्या करें, मेन सेटिंग को ओपन करें और यहाँ पे सर्च करें फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट ऑन सेव, तो इसको आप एनेबल करके रखें। तो जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका कोड भी फॉर्मेट हो जाएगा प्रीटियर की मदद से, और आई डोंट थिंक कोई एक्सटेंशन की जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड जो है डाउनलोड हो चुका है, यानी रिएक्ट की एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले इसमें स्विच हो जाएंगे CD क्लाइंट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को रन कर देंगे। तो उसके लिए कमांड है npm स्टार्ट, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए तो रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो रही है, बाय डिफॉल्ट आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें ये ओपन हो जाएंगी। हमारे केस में देखिए यहाँ पर फायरफॉक्स है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फायरफॉक्स में ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। और इसका पाथ अगर आप देखेंगे तो ये है लोकल होस्ट पोर्ट 3000, तो रिएक्ट की एप्लीकेशन बाई डिफॉल्ट पोर्ट 3000 असाइन कर लेती है खुद को। इनकेस अगर इसको नहीं मिलता है पोर्ट 3000 या फिर बिजी रहता है तो फिर आपको ऑप्शनली पूछेगा 301 के लिए, या फिर कोई अदर भी आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं फिर। तो बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से उसका लेआउट आपको देखने मिलता है। हम क्या करेंगे, टोटली लेआउट यहाँ पर चेंज कर लेंगे, चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको रन रहने देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सबसे पहले पब्लिक के अंदर, या फिर पब्लिक पे बाद में काम करते हैं। आपको जाना है पहले मेन src के अंदर, और app.css में जितना भी css का कोड है इसको रिमूव कर देंगे, सेव कर लेते हैं। उसके बाद में index.css में से सारा कोड रिमूव कर लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में रिमूव कर लेता हूँ, मार्जिन 0 रहने देंगे बॉडी में। उसके बाद में मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ, पैडिंग 0, और उसके बाद में यहाँ पर बॉक्स साइजिंग ऐड कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर css को रीसेट कर रहे हैं ताकि इनिशियल टाइम पे कोई भी स्पेस हमको ना मिले, इसीलिए हम ये रीसेट के लिए पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स यहाँ पर असाइन करते हैं। ये हो गया हमारा css रीसेट, और इसको बॉडी के बदले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट स्टार कर देते, यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर। और आप चाहे तो कमेंट भी बना दे इसके लिए ताकि आपको याद रहे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ css रीसेट और इसको कमेंट बना देता हूँ। इसके बाद में आपको जाना है app.js में, और ये रहा हमारा मेन कोड, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, हेडर वाला पार्ट पूरा रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो भी इम्पोर्ट्स है ना इसको भी रिमूव कर लेते हैं, क्लास नेम ऐप है तो इसको भी आप रिमूव कर लेंगे। इसके बदले सिंपल एक h1 में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, h1 वेलकम टेक इन्फो YT, सेव कर लेते हैं इसको। जैसे सेव करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन रिलोड होंगी, और अगर आप आउटपुट देखेंगे चलते ब्राउजर पर तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको इंस्टेंटली जो है रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने मिल जाएगा। कुछ भी अगर आप चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे हॉट रिलोडिंग का फंक्शन ये यूज करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर देता हूँ, सेव, चलते वापस तो देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी ऐड हो गया, और ऑलमोस्ट हमारा कोड जो है क्लीन अप हो चुका है। CSS हमने एम्प्टी कर दिया, ऐप CSS को भी रिमूव कर लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप को हमारी एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे, तो उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी वेबसाइट बताता हूँ, getbootstrap.com, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, डॉक्स पर क्लिक करिए, यहाँ से हम CDN लिंक को जो है कॉपी कर लेंगे। नीचे स्क्रोल करिए तो ये जो CDN लिंक है ना इसको हम कॉपी कर लेंगे CSS की। सबसे पहले आप क्या करें, CSS की CDN लिंक को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपको जाना है पब्लिक में, इसमें हमारे पास एक है index.html की फाइल, और आप ये जो कोड है इसको रिमूव कर सकते हैं, मैनिफेस्ट फाइल की भी जरूरत नहीं है तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं, और ये जितना भी कॉमेंट है इसको रिमूव कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में टाइटल से पहले CDN लिंक को पेस्ट कर देंगे, सेव, और साथ ही में आप जो है जावास्क्रिप्ट की CDN लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रिप्ट का, इसको भी कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद रूट के नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे, सेव। तो यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप को एनेबल कर दिया है, पहले इसको चेकआउट कर लेंगे, चलते वापस एप्लीकेशन में। तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है। अब आप चाहें तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि इस H1 को हम क्या करेंगे, क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम ऑफ टेक्स्ट सक्सेस, और इस क्लास नेम में एन को कैपिटल कर देंगे, सेव।
चलते वापस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी हमारे बूटस्ट्रैप की क्लास बराबर से यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप भी एनेबल हो गया। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन की डिजाइनिंग पर काम कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर इसका टाइटल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, index.html में वापस आइए, ये रहा टाइटल, इसको चेंज कर देंगे पोर्टफोलियो या फिर माई पोर्टफोलियो कर देते हैं इसको, माई पोर्टफोलियो, सेव। चलते वापस एप्लीकेशन में, तो देखिए यहाँ पर ये टाइटल भी चेंज हो चुका है, अब ये है माई पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर काम करेंगे और फिर थोड़ा सा डिजाइनिंग भी हम इसमें स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि मेन हमारा साइड बार या फिर जो भी कॉन्टेंट है उस पर हम अभी काम करेंगे।